हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है एडिशन। सो स्टूडेंट्स, आप लोग प्रीवियस क्लास में भी एडिशन कर चुके हैं। आपने प्रीवियस क्लास में 2 और 3 डिजिट्स एडिशन किए थे, अब 4 डिजिट्स के एडिशन करेंगे। हमें जो नंबर दिए गए हैं उन्हें अरेंज करना होता है। अभी इन नंबर्स को हम अरेंज करेंगे। वंस, टेंस, 100, देन लास्ट में 1000 नंबर्स में। अब वंस, सबसे पहले इस डिजिट्स को हम अरेंज करेंगे। वंस में 1, 6, 4, 5, 7, 3, 1, 2 और हम यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे। अब सबसे पहले हम, आप जैसा जानते हैं, प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं, तो हम एडिशन जो करते हैं वो 1 से स्टार्ट करते हैं। हमेशा ये याद रखिएगा कि जब भी एडिशन आप करें तो 1 से स्टार्ट करें। 1 का देखिए, 1 प्लस 7, 1 प्लस 7, 8। अब टेंस को ऐड करेंगे, 6 प्लस 3, 9। अब इसके बाद 100 को प्लस करेंगे हम, 4 प्लस 1, 5। लास्ट में क्या बचा, 1000। 5 प्लस 2, 7। ये हमारा आंसर। तो इसी तरीके से हमें पहले कॉलम्स में अरेंज करना है नंबर्स को, देन उसे 1, 10, 100 और 1000 को ऐड करना है इस तरह से। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब हम ये सम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या बताया था कि 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 में क्या दिया गया है, 8 प्लस 4, आंसर क्या है, 12। तो अपना आंसर जो है 12 2 डिजिट्स में आ रहा है। तो हम ये टेंस, ये 1s, तो जो 1s होता है वो हम क्या कहाँ लिखते हैं, नीचे की साइड, और जो हमारा टेंस है यानी 1 वो हम ऊपर कैरी लगा देंगे इस तरह से। तो अब हम क्या ऐड करेंगे, टेंस। तो टेंस में क्या लिखा है, 7 प्लस 6, तो 7 प्लस 6, 13। तो 13 तो ये हो गया। अब जो कैरी दी गई है, हम 13 में 1 भी प्लस करेंगे, यानी कैरी भी प्लस होगी, ऐड होगी उसमें। तो 6 प्लस 7 प्लस 1, 14। तो 4 हम यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी। अब इसी तरीके से इसे ऐड करेंगे 100 को, तो 1 प्लस 3 प्लस 7, आंसर हमारा आ गया 11। तो हमने क्या किया, 11 का 1 एक नीचे लिख दिया और एक केडी लगा दिया। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, यस, इन तीनों डिजिट्स को ऐड करेंगे। तो 1 प्लस 4 प्लस 3, हमारा आंसर आ गया 8। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये केडी वाले हैं। आई होप आपको समझ में आए हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।